हे लोक ना आज निशान कदमला केलं, उद्या दुसरं मारतील, परवा तिसरा मारतील, आणि यांचे जे मुख्य सूत्रधार आहेत त्यांना अटक करून योग्य ती कारवाई करावी। नमस्कार, मैं आदित्य सिंह हाजिर हूँ एक बार फिर आप सभी के सामने। बिल्डर निशांत कदम की बीते दिनों हत्या की गई थी, जिस पर पुलिस ने अपना काम करते हुए बखूबी उन्होंने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अभी भी उनके शुभ चिंतकों ने ऐसा कहा है कि वो इस पूरे मैटर में उन्होंने अपनी असंतोषगी जाहिर की है। उन्होंने कहा है क्योंकि ये हाई प्रोफाइल मैटर है तो इसमें किसी बड़े व्यक्ति का हाथ है और जरूरत है कि पुलिस इस पर काफी गहराई से तहकीकात करे और उस बड़े व्यक्ति को पर्दे से बाहर ले आए। हालांकि ये क्या कुछ मामला है ये पूरा जांच का विषय है, लेकिन आइए सुनते हैं लोगों ने इस पूरे विषय पर क्या कुछ कहा। ना ना बाकी काय नाही, अख्ख्या विरार मध्ये म्हणजे फुलपाडा गांधी चौक ते राज्य करायचे, खंडणी वगैरे हे लोक असं पण मागतच असतात, आणि ह्यांना कोण अडवू शकत होतं तो निशान कदमच होता। म्हणून हे लोक सर्व ते कट कारस्थान करून त्याला रात्रीचं असं संपवलेलं आहे, आणि हे लोक ना आज निशान कदमला केलं, उद्या दुसरं मारतील, परवा तिसरा मारतील, आणि सगळं असं गुंडराजच चालू होऊन जाईल। यूपीला जसं चालतं यूपी बिहार तसं ह्यांना इत्या मुंबईला विरारला आणायचं आपल्या इथे। निशान कदम तो आदमी थे कि लोगों की मदद करते थे एक बात, लेकिन ऐसा अचानक से इनकी एक दिन हत्या हो जाएगी हमने सोचा नहीं था कभी। ये जरूर मुझे लगता है सर प्लानिंग करके गेम हुआ है, इसमें और बड़े बड़े लोगों का हाथ हो सकता है। कोई कबूल ले कि मैंने मर्डर किया है तो ये सब एक छोटी मोटी बात है, इसमें पीछे और बैकअप है, कोई तो है पीछे जो इनको सपोर्ट कर रहा है और बड़ी बड़े बड़े लेवल से ये काम हुआ है। ये छोटे मोटे इन लोगों की बस की बात नहीं है मर्डर करना, ये बड़े लेवल से काम हुआ है। तो मैं पुलिस से ही मांग करूँगा कि इसकी गहराई तक जाके जितने जो इनके भाई के पुराने दुश्मन थे आज से 5 साल से उन लोगों पर इन्क्वायरी करके गहराई तक जाए कि इनके पीछे किसका हाथ है, करने वाला कौन है और करवाने वाला कौन है। अपन बघितलं असेल हा हल्ला एवढा भ्याड होता हे आजपर्यंत असं रहिवाशांबरोबर गावच्या नागरिकांबरोबर कधी झालेलं नव्हतं। एक अतिशय क्रूरपणे केलेला आहे, त्या आज पोलिसांनी एका आरोपीला अटक केली आहे, पण त्याच्या मागचे सर्व सूत्रधार हे अजूनही फरार आहेत व त्याच्याबरोबर असलेले सर्व आरोपीसुद्धा अजूनही फरार आहेत। तर आमची ही अपेक्षा आहे की पोलिसांनी लवकरात लवकर सर्वांना पकडून आणि यांचे जे मुख्य सूत्रधार आहेत त्यांना अटक करून योग्य ती कारवाई करावी, ही आमची समस्त मित्रपरिवार आणि गावकऱ्यांची मागणी आहे।